नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित निकेतन अनिल जोशी आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको वास्तु के अनुसार ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं या फोटो है जिनको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। जी हां दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कई फोटो लगाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण की फोटो या उनके बांसुरी की फोटो या फिर उनके स्वयं की फोटो हम अपने घर में लगाते हैं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा या पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हम गलती से या अनजाने से ऐसी फोटो भी लगा देते हैं जिससे कि हमारे घर में नकारात्मक प्रभाव उनका पड़ता है या नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी फोटो के बारे में जिनको कि आपको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, जो कि दोस्तों बड़ी ही कॉमन फोटो है, वो आपको मैक्सिमम हर घर में मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वास्तु टिप्स और एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस सूची में जो पहला नंबर है वह आता है महाभारत के युद्ध का फोटो। दोस्तों, कभी भी आपको अपने घर में महाभारत होते हुए जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध था, उस युद्ध की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखना है। दोस्तों, इससे आपको अपने पारिवारिक संबंधों में इसका असर देखने को मिलेगा, इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, और स्पेशली जो पति पत्नी का रिश्ता होता है दोस्तों, इसमें भी आपको आपसी कलह देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि आपको अपने घर में महाभारत के युद्ध का फोटो या फिर किसी भी युद्ध की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगाना है। दोस्तों, इस सूची में जो दूसरा नंबर है वह आता है हिंसक जानवरों की तस्वीर का। दोस्तों, यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो स्पेशली आप लोगों को हिंसक जानवर की तस्वीर, मतलब जो जानवर मांस खाकर अपना पेट भरते हैं, जैसे शेर या फिर और कोई भी जानवर जो मांस खाते हैं, आपको उनकी तस्वीर अपने घर में नहीं लगाना है। दोस्तों, इससे आपके बच्चों पर, स्पेशली बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह जिद करता है, गुस्सा करता है या फिर रोता है। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि जो जानवर हिंसा करके अपना पेट भरता है उनकी तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखना है, एग्जाम्पल शेर। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा नंबर है वह आता है डूबती हुई नाव का फोटो। दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि डूबती हुई नाव का फोटो अपने घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि यह फोटो घर में होगा तो आपका आर्थिक विकास, मतलब जो प्रगति होती है दोस्तों, वह रुक जाता है, एवं अनावश्यक खर्च, मतलब बिना कारण के जो खर्च होता है, फालतू खर्च जिसको हम कहते हैं, वह खर्च भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको अपने घर में डूबती हुई नाव का फोटो या तस्वीर नहीं रखना है। यदि दोस्तों आपने अभी तक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वास्तु टिप्स और एस्ट्रोलॉजी अपडेट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अगला नंबर आता है माता काली की तस्वीर का। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात ध्यान देना है कि अपने घर में कभी भी काली माता की जो फोटो होती है, हिंसक फोटो जो होती है, वह नहीं रखना है। दोस्तों, काली माता के मंदिर में फोटो रखी है बात अलग है, लेकिन आपको अपने घर में काली माता की फोटो नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि माता काली जो कि हिंसक रूप जो है माता का, उस हिंसक रूप की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखना है। या दोस्तों, हो सके तो, यह पॉइंट थोड़ा अजीब है, लेकिन आपको घर में काली माता की मूर्ति की स्थापना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वास्तु के अनुसार इससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों, क्योंकि माता काली जो है वह हिंसा के रूप में उनकी तस्वीर रहती है, तो हिंसा करते हुए तस्वीर आपको किसी भगवान की नहीं रखना है। दोस्तों, चाहे वो माता काली ही क्यों ना हो या फिर महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा ही क्यों ना हो, तो दोस्तों आपको हिंसा करते हुए भगवान की फोटो अपने घर में नहीं रखना है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला नंबर आता है वह आता है किसी की समाधि की तस्वीर। दोस्तों, यह तो वैसे तो दोस्तों समाधि की तस्वीर हम हिंदू धर्म के लोग नहीं रखते हैं, परंतु फिर भी एक सजावट के लिए दोस्तों कुछ तस्वीर आती है जिसमें समाधि रहती है, तो वह समाधि की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमारे पूर्वजों की तस्वीर कहाँ रखना चाहिए। दोस्तों, कई लोग यह मानते हैं कि पूर्वजों की तस्वीर अपने घर में नहीं होना चाहिए, जो कि दोस्तों कुछ हद तक कर सही भी है। अगर आपके पूर्वजों की तस्वीर है भी, तो दोस्तों आपको उसको किसी कपड़े में लपेट करके कई पेटी में रखना चाहिए, और जब उनकी जरूरत पड़ती है, दोस्तों जैसा हम किसी का श्राद्ध करते हैं या फिर साल में एक बार जो आता है श्राद्ध पक्ष, उसमें उनकी फोटो जरूरत पड़ती है,
तो आप उसकी फोटो बाद में वहां से निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों यदि आपको अपने बुजुर्ग की फोटो या पूर्वज की फोटो रखना ही है तो दोस्तों आपको उसको साउथ फेसिंग में रखना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको अपने पूर्वज की फोटो रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले नंबर की, तो दोस्तों वह आता है किसी हिंसा की हुई तस्वीर का। दोस्तों यदि आप कोई इस तस्वीर रखते हो जिसमें कोई हिंसा हो रही है, जैसे दोस्तों युद्ध जो मैंने बताया महाभारत युद्ध, या फिर माता काली की फोटो, या फिर और किसी प्रकार की जो हिंसा जहां होती है, तो आपको ऐसी तस्वीर अपने घर में नहीं रखना है जिसमें हिंसा हो रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से इन तस्वीरों को आप अपने घर में न रखते हुए जो पॉजिटिव एनर्जी वाली तस्वीरें हैं, जैसे सात घोड़े वाली तस्वीर, या भगवान कृष्ण की तस्वीर, या फिर उनके बांसुरी की तस्वीर को आप अपने घर में रख सकते हैं, जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तथा दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, तथा आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।